hello students of class 10th welcome to your online class this is your, this is your mathematics class and from today i will teach you math mathematics if you ha have any doubts any confusion please ask to me i will solve all your problems okay now we are going to start our next fresh chapter this is statistics now start the chapter okay now start the chapter this is a statistics जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास क्लास नाइन्थ में आप लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके दैट वॉट इज स्टैटिस्टिक्स और इसके यूजेस क्या है मेरिट्स क्या है उसकी और किस किस फील्ड में हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करती हूँ और उसके बाद जो आपके टेंथ का टॉपिक है उसको स्टार्ट करती हूँ तो स्टैटिस्टिक्स हमारा कब आया 1662 में किसने लाया जॉन जॉन गॉन्ट लाए विथ किसके विलियम पेटी के साथ तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होगी कि इस टाइम अगर किसी भी सब्जेक्ट की डिमांड है अगर कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो उन सब में सबसे ज़्यादा डिमांड स्टैटिस्टिक्स की है क्योंकि जनरली हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है और आप इसको पॉपुलेशन में नॉर्मली देख सकते हो तो हम इंट्रोडक्शन इसका क्या है इट इज़ द साइंस विच डील्स विथ कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा और फिगर ये क्या होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है एक साइंस है ऐसी साइंस है जो हमारे पास डाटा हम लोग जो कलेक्शन करते हैं उसको एनालाइज करते हैं और उससे जुड़ी हुई क्या हमें रिजल्ट्स मिले हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं तो ये पूरा काम हम किसके अंदर करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर करते हैं तो हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं जनरली बिजनेस में करते हैं इकोनॉमिक्स में करते हैं मैथमेटिक्स में करते हैं बैंकिंग में करते हैं इन सब फील्ड में हम बहुत ही ब्रॉडली स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं जैसे कि आप पॉपुलेशन देखते हो अगर बो बोला जा रहा है कि इतनी परसेंट यहाँ की जो सॉरी आपकी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो वन थर्टी टू करोड़ है तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि एक एक के बारे में किसी ने पता लगाया होगा यहाँ यहाँ पे जो एवरेज लिटरेसी है वो कितनी है ऐसा तो है नहीं कि ना किसी एक पर्सन ने या किसी भी एक ग्रुप ने एक एक इंफॉर्मेशन गेन की होगी दिस इज़ नॉट पॉसिबल इसी वजह से हमारे स्टैटिस्टिक्स के कुछ मेथड्स होते हैं कुछ रूल्स होते हैं जिसका यूज़ करके हमने एवरेज पॉपुलेशन का लिटरेसी को फाइंड आउट किया है तो ये सब फील्ड होती हैं जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं ओके okay? तो हमारे जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं उसके जो डाटा होते हैं उसकी कलेक्शन दो तरीके से होते हैं एक होता है हमारा ग्रुप्ड डाटा और एक होता है हमारा अनग्रुप्ड डाटा अनग्रुप्ड डाटा जैसा कि आप नाइन्थ में पढ़ चुके हो ये हमेशा इंडिविजुअल पॉइंट्स की बात करता है जैसे कि जैसे कि आपका कुछ है टू फोर एट सिक्स यानी कि टू की कितने टू मान लीजिए किसी आपके क्लास में दो नंबर पाने वाले एक एग्ज़ाम हुआ टेन मार्क्स का तो उसमें दो नंबर पाने वाले कितने बच्चे थे फिर फोर नंबर पाने वाले कितने बच्चे थे एट मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे थे सिक्स मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे थे टेन मार्क्स पाने वाले कितने थे सेवन मार्क्स पाने वाले कितने थे तो ये सब चीज़ें हम किस में अभी तक पढ़ रहे थे अनग्रुप्ड डाटा में जहाँ पे हम किसी इंडिविजुअल डाटा की बात कर रहे थे देखिए ये सब हमारे इंडिविजुअल डाटा है ठीक है उससे रिलेटेड हम लोग मीड मीडियन मोड की बात करते थे और उससे रिलेटेड हम लोग आगे जितनी भी चीज़ें थी हमारी उसको सॉल्व करते थे लेकिन हम जब ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा को हम कलेक्ट कर रहे थे तो हमने ये चीज़ ध्यान दिया कि अगर ये तभी तक पॉसिबल है जब हमारे पास जो डाटा है उसका जो मेज़रमेंट uh, है उसका जो एक टर्म है वो बहुत छोटा है तभी हम लोग अनग्रुप्ड डाटा का यूज़ कर सकते थे लेकिन जब हम पूरी एक चाहे पॉपुलेशन की बात करते हैं या फिर बड़े स्केल में देखते हैं या फिर हमसे बोला जाए एक करोड़ लोगों की आप बताओ कि लिटरेसी कितनी है आप वन थाउजेंड लोगों की सैलरी बताओ या फिर टू थाउजेंड लोगों में कितने लोग हैं ऐसे जो मतलब कुछ हमारे जो सैलरीज थी उनको डिवाइड कर दिया गया इतनी इतनी सैलरी पाने वाले कितने लोग हैं तो जब हमसे एक बड़े स्केल की बात की गई तब अन, तब हमारा अनग्रुप्ड डाटा टोटली फेल हो गया तब हम इसके बाद जो हम डिस्कस किए अनग्रुप्ड डाटा के बाद वो था हमारा ग्रुप्ड डाटा ग्रुप्ड डाटा ग्रुप्ड डाटा में क्या हुई हमने यहाँ पे जो अनग्रुप्ड लिखा है उस ग्रुप्ड लिखा है सॉरी फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप्ड डाटा की बात की ग्रुप्ड डाटा में क्या था हमारा कि जब हम लोग किसी एक डाटा के लिए क्लास इंटरवल बना रहे थे जैसे कि मान लीजिए हमसे फाइव थाउजेंड की बात कर रहा है या फिर फिफ्टी थाउजेंड की बात कर रहा है कि इतनी हमारी पॉपुलेशन है उसमें किस तरीके से हम लोग उनको डिवाइड करें और कैसे उनकी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड जो आपसे मेज़रमेंट मांगा है उस चीज़ के बारे में पूछा जाए तो आप लोग तो हम लोग क्या किए उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिए यानी कि मान लीजिए टेन थाउजेंड से ट्वेंटी थाउजेंड पाने वाले कुछ लोग थे फिर ट्वेंटी थाउजेंड से थर्टी थाउजेंड पाने वाले कुछ लोग थे फिर थर्टी से फोर्टी थाउजेंड पाने वाली आपका थाउजेंड में है ठीक है ये पाने वाले कुछ लोग थे इस तरीके से हमारा पूरा हो गया फोर्टी से फिफ्टी के बीच में इतने लोग थे अब देखिए आप क्लियरली देख रहे हो कि अगर हमें फिफ्टी थाउजेंड तक पूरा करना पड़ता तो सॉरी यहाँ पे आप जीरो से एक टेन थाउजेंड में जाएगा हमारा ठीक तो आप क्लियरली आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर हम लोग अनग्रुप्ड डाटा में इस चीज़ को फाइंड आउट करते या क्वेश्चन को सॉल्व करते या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को निकालते तो हमें वो प्रोसेस बहुत ही लेंदी जाता इट मे बी रॉन्ग हो सकता था कि हमें एक सेटिस्फैक्शन ना मिल पाती इसको फाइंड आउट करने में इसलिए हमने अनग्रुप्ड डाटा का यूज़ किया और अपने आगे के प्रोसेस को बढ़ाया ठीक है अब जब हम लोग सॉरी ग्रुप्ड डाटा का यूज़ किया अब हम ग्रुप्ड डाटा के लिए को लेकर सॉल्व करते हैं अपनी सारी चीज़ें कि हमें कैसे ग्रुप वाइज हर चीज़ें निकालनी है तो इसकी जब एरेथमेटिक मीन हम आए सबसे पहले चीज़ें थी कहाँ हाँ जब जैसे ही हम ग्रुप्ड डाटा का यूज़ करें तो हम जब स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आई वो थी सेंट्रल टेंडेंसी जो कि जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स की बहुत इंपॉटेंट चीज़ है सेंट्रल टेंडेंसी बिना सेंट्रल टेंडेंसी के जाने हम स्टैटिस्टिक्स को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं और सेंट्रल सेंट्रल टेंडेंसी में हमारी तीन चीज़ें हैं जो बाहर आती हैं वो है हमारा पहला है मीन दूसरा है हमारा मीडियन और तीसरा है हमारा मोड ये तीन चीज़ आती हैं हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के लिए सबसे और भी चीज़ें और भी इसके फिगर्स हैं लेकिन वो आपके अभी टेंथ स्टैंडर्ड में नहीं है तो जो चीज़ें अभी आपके लिए यूजफुल है बेनिफिशियल है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ तो तीन चीज़ आती है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी में मेन मीडियन मोड जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो तो आगे टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टॉपिक स्टैटिस्टिक्स की वो है मीन ग्रुप्ड डाटा की मीन को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं कौन कौन से हैं एक है हमारा डायरेक्ट मेथड और एक है हमारा शॉर्टकट मेथड जनरली इन्हीं दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन रिलेटेड टू अर्थमेटिक मीन अब हम डायरेक्ट मेथड की जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक फार्मूला हमें मिलता है वो क्या है हमारा एक्स बार इज़ इक्वल्स टू एफ वन एक्स वन एफ़ टू एक्स टू एफ थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन एफ एन एक्स एन अपन एफ वन एफ टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस एफ एन जहाँ पर हमारा एफ़ क्या है फ्रीक्वेंसीज़ हैं ठीक है और x क्या है हमारा वेरिएट्स है यानी हाँ x क्या है हमारा वेरिएट्स है यानी कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर हमारा x है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी वो कितनी बार आया है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये इस तरीके से हमने f और x को यहाँ पे डिनोट किया है तो हमारा एक नॉर्मल फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट मेथड को कंप्यूट करने का वो हो जाएगा हमारा एक्स बार इज़ इक्वल्स टू समेसन ऑफ जब हम किसी भी चीज़ को कई बार आ, प्लस करते हैं सेम फैक्टर को कई बार प्लस करते हैं एडिशन में जाता है तो वो हमारा समीशन में आ जाता है तो समीशन एफ आई एक्स आई जहाँ पे आई इज इक्वल्स टू वन टू एन यानी कि वन से लेकर एन तक हमारा आई हो सकता है इसमें जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एफ हमारी फ्रिक्वेंसी है और एक्स बार हमारा एरेथमेटिक मीन है तो अब हम डायरेक्ट मैथड कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर इज़ कोई एक नंबर है उसकी अर्थमेटिक मीन हमें दी हुई है अब उस नंबर को फाइंड करना है तो अर्थमेटिक नंबर uh, क्या है हमारा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर फिफ्टीन थ्री एंड सेवन और उसका अर्थमेटिक मीन क्या दिया हुआ है हमारे पास फिफ्टीन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ठीक है तो वैसे तो हम लोग बात कर रहे हैं अनग्रुप्ड डाटा सॉरी ग्रुप्ड डाटा की ठीक है लेकिन हमारा जो हमें कभी कभी ऐसे टर्म्स भी मिल जाते हैं ग्रुप्ड डाटा में ही जो एक टैबुलर फॉर्म में होते हैं अब उस टैबुलर फॉर्म को हमें जब हम सॉल्व करते हैं तो जो नॉर्मल हम लोग अनग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा में हम लोग जिस फॉर्मूले का यूज़ किया था और जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है ठीक है तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है हमारे पास एरेथमेटिक मीन ऑफ ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस द फॉर्मूला आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है एफ वन प्लस ठीक है इज इक्वल्स टू क्या दिया हमारे पास फिफ्टीन दिया हुआ है तो एफ वन एफ टू एफ थ्री सबकी वैल्यू हमने रख दी है अपॉन टोटल नंबर हमारे कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स टोटल नंबर हमारे पास सिक्स है यहाँ पे देखिए हमारा एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस फोर है तो आपस में फ़ोर हमारा कैंसिल हो गया तो बच्चा हमारे पास एड करने पर मिल गया फिफ्टीन प्लस थर्टी थ्री प्लस एक्स इस इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद देखिए ये हमारा इसके साथ चला गया और हो गया फिफ्टीन इंटू सिक्स तो फिफ्टीन प्लस थर्टी थ्री इज़ फोर्टी एट प्लस एक्स इज इक्वल टू एट्टी एक्स इज इक्वल्स टू ये फोर्टी एट हमारा इधर गया हो गया एट्टी माइनस फोर्टी एट और एक्स इज इक्वल टू थर्टी टू यहाँ से हमें मिल गया है कि हमारा जो एक्स होगा वो कितना है थर्टी टू ये था हमारा डायरेक्ट मेथड एक अनग्रुप्ड डाटा के लिए अगर आपके पास ग्रुप्ड डाटा भी दे देता है तब भी आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे यानी कि मान लीजिए आपका ग्रुप डाटा तो क्लास इंटरवल में आपको देगा कुछ इस तरीके से क्लास इंटरवल रहेगा आपका ज़ीरो टू फाइव फाइव टू टेन टेन टू फिफ्टीन यहाँ पे आपकी कुछ फ्रीक्वेंसीज होंगी ठीक है फिर आप क्या करोगे फ्रीक्वेंसी जितनी भी है आपकी यहाँ पे आप कर लोगे एफ वन प्लस एफ़ टू प्लस एफ़ थ्री इस तरीके से आप सबको ऐड कर लोगे अपॉन जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी है उससे हम डिवाइड कर देंगे ठीक है इस तरीके से हम ग्रुप डाटा के लिए सॉल्व करेंगे अब आती है बारी हमारे शॉर्टकट मेथड की तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई वेयर आई इज इक्वल टू वन और ग्रेटर देन एन जहाँ पे ए हमारा अज्यूम मीन है एफ आई हमारी फ्रीक्वेंसी है डी हमारा डेविएशन है और ए हमें कहाँ से मिलेगा हम इसमें एक मिड पॉइंट निकालेंगे मिड पॉइंट हम हमेशा क्लास इंटरवल की हेल्प से निकालते हैं तो उसका मिड पॉइंट निकालेंगे और उससे हम लोग आगे का सॉल्यूशन पूरे कंप्लीट करेंगे ठीक है तो इसका सॉल्यूशन आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड क्या दिया है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे पास सेंट्रल uh, दिया हुआ है क्वेश्चन एक सेकेंड ठीक है तो हमसे बोल रहा है कि एक अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड आउट करना है जबकि हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ठीक है तो आपके क्वेश्चन में मैंने उसको क्वेश्चन को नहीं लिखा आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ें हैं ठीक है ये एक आपको टेबल दिया हुआ है इसकी हेल्प से आपको अरेथमेटिक मीन फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड ठीक है तो लेट सॉल्व द क्वेश्चन क्लास इंटरवल है आपका जीरो टू फोर्टी फोर्टी टू एटी एटी टू वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू वन सिक्सटी और वन सिक्सटी टू टू हंड्रेड तो जीरो से ट्वेंटी का हमारा क्या फ्रीक्वेंसी है ट्वेंटी टू फिर इसकी है थर्टी फाइव फिर इसकी है फोर्टी फोर देन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर इसको जब हम ऐड करें तो हमें मिला है वन फिफ्टी यानी कि समेशन ऑफ एफ हमारा कितना है वन फिफ्टी ठीक है अब मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं पता होगा आपको मिड वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी क्लास इंटरवल हमारा दिया है ठीक है लोअर लिमिट हमारी क्या दी हुई है L1 इज इक्वल टू जीरो और अपर लिमिट क्या दी हुई है L1 एल टू सॉरी एल टू इज इक्वल टू फोर्टी हम पहले वाले क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं एल वन प्लस एल टू अपॉन टू ये वैल्यू पुट कर देंगे और जो भी हमें मिलेगा वो हमारी मिड वैल्यू हो जाएगी ठीक है यहाँ पे हमारा फोर्टी फोर्टी प्लस ट्वेंटी अपॉन टू सॉरी फोर्टी नहीं फोर्टी प्लस जीरो अपॉन टू दिस इज ट्वेंटी ठीक है तो हमारी मिड वैल्यू क्या हो गई ट्वेंटी फिर है हमारा फोर्टी प्लस एटी अपॉन टू मिल गया हमको सिक्सटी ठीक है फिर है हमारा वन ट्वेंटी प्लस एटी अपॉन टू मिल गया हमको हंड्रेड तो इस तरीके से हमें कुछ मिड वैल्यूज मिली है किसकी हेल्प से क्लास इंटरवल की हेल्प से मिड वैल्यू हमेशा क्लास इंटरवल की हेल्प से ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं हाँ अगर मान लीजिए आपकी मिड वैल्यू आपको लग रहा है सही है या नहीं है इसका चेक कैसे होगा सब के बीच में देखिए ट्वेंटी से सिक्सटी uh, के बीच में फोर्टी का फर्क है फिर सिक्सटी से हंड्रेड के बीच में फोर्टी का डिफरेंस है फिर हंड्रेड से फोर्टी के बीच में फोर्टी का डिफरेंस है और फिर वन फोर्टी से एट्टी के बीच में फोर्टी का ही डिफरेंस है इस तरीके से हमने ये पता कर लिया कि हमारी जो मिड वैल्यू निकली है वो भी एकदम ठीक है क्योंकि सबकी डिफरेंस जो है फोर्टी है और वैसा ही डिफरेंस हमारे क्लास इंटरवल में है देखिए सब में फोर्टी फोर्टी का डिफरेंस है तो इस तरीके से हमें हमारी मिड वैल्यू मिल गई जो कि क्लास इंटरवल की हेल्प से मिली है और वो कैसे आ, हम लोग इसका डिफरेंस देख लिया फोर्टी भी है और सॉल्यूशन भी हमारा ठीक है तो अब हम लोग जब शॉर्टकट मेथड करते हैं उसमें अज्यूम मीन हमें कहाँ से मिलता है अज्यूम्ड मीन जो हमें मिलता है आपका जो मिड वैल्यू निकला है उसमें से कोई भी एक आप नंबर पिक कर लीजिए कोई भी एक नंबर एक्स वाई जेड कोई भी एक नंबर आप पिक कर लीजिए वो आपका एज्यूम मीन हो जाता है अब क्योंकि हमारी एक ऑड नंबर की सीरीज़ है ये ऑड नंबर की सीरीज है तो हम लोग यहाँ पे अपने कन्वीनियंट के लिए जो मिड पोर्शन है यानी कि हंड्रेड उसको हम लोग अज्यूम कर लिए उसको पिक कर लिए एज आज अज्यूम मीन की तरह और हम इसको लेकर आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है फिर एक कॉलम हमारा और बनेगा वो है हमारा डेविएशन का क्योंकि हमसे फार्मूले में एफ डी जहाँ पर डी हमारी डेविएशन है डेविएशन के बारे में बात की गई है इसका फॉर्मूला होता है डी माइनस डी इज इक्वल टू एक्स यानी कि आपका मिड वैल्यू माइनस ए ए यानी कि आपका अज्यूम मीन ठीक है तो हम हर जगह पे अब सिर्फ फर्स्ट इंटरवल की बात कर रहे हैं ये देखिए फर्स्ट इंटरवल की जब हमने बात की तो इसके लिए x हमारा क्या है 20 माइनस ए क्या है हमारा 100 तो 20 माइनस हंड्रेड इज माइनस एटी ठीक है इस तरीके से हम पूरे डेविएशन को निकालेंगे दो माइनस में मिलेगा दो प्लस में मिलेगा एक कुछ भी हो सकता है आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका दो माइनस दो प्लस ही हो आपका तीन माइनस एक प्लस भी हो सकता है कुछ भी ये डिपेंड करता है आपकी मिड वैल्यू किस तरह से आई है ठीक है फिर देखिए हमें f मिला है f दिया है सॉरी x मिल गया d मिल गया किसके हेल्प से x की हेल्प से एक कॉलम लास्ट कॉलम और बनेगा हमारा वो है fd ठीक है fd हमें किस लिए चाहिए ये यहाँ पे इसके लिए हमें fd चाहिए ओके आप इस तरीके से निकाल सकते हैं आप अगर ये पोर्शन नहीं निकालना चाहते हैं कोई बात नहीं आपका जो डी निकला हुआ है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए पूरा इस तरीके से आपको मिल जाएगा डी और आप यहाँ पे फॉर्मूले पर रख दीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सी जो आपका ये कॉलम है इसको ज़रूर से निकालिए ठीक है एफ़ डी यानी कि एफ़ इंटू डी इसका इसका मल्टीप्लाई यहाँ रहेगा इसका और इसका मल्टीप्लाई यहाँ फिर ये और ये मल्टीप्लाई में ज़ीरो हो गया ये ये मल्टीप्लाई ये और ये का मल्टीप्लाई करे हो गया नाइनटीन ट्वेंटी ठीक है फिर इसका समेशन यानी कि इसका पूरा टोटल कितना आया है हमारे पास इन सबको हम प्लस कर देंगे मिल गया हमें माइनस सॉरी कितना मिला है हमें माइनस टू फोर ज़ीरो माइनस में आया है ये चीज़ अब देखिए जो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट थी सब मिल गया है समीशन एफ़ मिल गया है समीशन एफ डी मिल गया है मीन मिल गया है बस अब हम वही चीज़ फॉर्मूले पर रख देंगे क्या है हमारा फॉर्मूला ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ ए क्या है हमारा हंड्रेड प्लस समीशन एफ डी क्या है हमारा टू फोर्टी माइनस में अपॉन यहाँ पे आप माइनस लगा लीजिए ठीक है माइनस में वन अपॉन फिफ्टी सॉरी टू फोर्टी अपॉन वन फिफ्टी ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया हमारा क्या बचा हमारे पास फिफ्टी uh, इसको सॉल्व किया तो मिला कुछ हमें फ़ाइव टाइम्स किया ये एट टाइम्स किया फाइव वन सेवन पॉइंट सिक्स हो गया हमारा हंड्रेड प्लस माइनस में वन वन पॉइंट सिक्स ठीक है तो हंड्रेड माइनस हंड्रेड माइनस वन पॉइंट सिक्स क्या हो गया हमारा ज़ीरो फोर पॉइंट नाइन एट नाइन्टी एट तो ये हमें मिल गया नाइन्टी एट पॉइंट फोर क्या है हमारा एरेथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड तो आज के क्लासेस में आज की क्लास में हमने मीन को डिस्कस किया है नेक्स्ट क्लास में हम मोड मीडियम uh, और मोड को डिस्कस करेंगे ग्रुप्ड डाटा के तो आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एरेथमैटिक मीन तो देन प्लीज़ आज टू मी आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स ओके हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स टिल देन प्लीज सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज रिलेटेड टू अरेथमेटिक मीन हैव अ नाइस डे